सो गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइज, अब बज चुके हैं सुबह के 5:30। सो आज हम जा रहे हैं एक न्यू ट्रिप पे दिल्ली, वहाँ पे अपना आज इवेंट है। सो आज इवनिंग में इवेंट है। सो अभी रेडी वगैरह हो चुके हैं, मम्मी पीछे किचन में बॉडी खा रहा है, तो मम्मी पीछे किचन में खाना बना रही है थोड़ा, क्योंकि ये सुबह सुबह ना खाया नहीं जाता यार जल्दी जल्दी। तो चाय बना के बिस्कुट खा के फिर चलेंगे अपने रेलवे स्टेशन, और वहाँ पे अपना इंतजार कर रहा है मनीष, क्योंकि आज अपने साथ जाएगा मनीष जो अपना मैनेजर है, वो जाएगा आज अपने साथ। सो फिर मिलते हैं, आपको मिलाते हैं मैनेजर से भी। सो स्टेशन पर इधर भी आ गया, ट्रेन भी आ गई है। आ चुके हैं स्टेशन से बाहर, यहाँ हम खाने लग रहे हैं छोले भटूरे। मैनेजर साहब को ना ज़्यादा भूख लगी थी। तो फैमिली हम चल रहे हैं अब मेट्रो स्टेशन, क्योंकि मेट्रो में जाएंगे गोल्फ कोर्स की तरफ। दूर है यार, ऐसे पैसे ज़्यादा लग रहे हैं हमारे सच बताना। फैमिली हम पहुँच चुके हैं अब इंदरलोक मेट्रो स्टेशन के नीचे। सो अब यहाँ से हमने कैब करा ली है, फिर अब जाएंगे लोकेशन पे जहाँ आज अपना इवेंट होने वाला है। अपनी गाड़ी आ चुकी है, तो बैठते हैं गाड़ी के अंदर, फिर चलते हैं अपनी लोकेशन पे। आगे भाई आगे, इसमें वो दे। लोकेशन पे आप पहुंच चुके हैं, ITC गोल्फ क्लासिक। तो अभी हम रिसेप्शन पे जा रहे हैं, पहले बहुत बड़ा यार ये तो बहुत बड़ा है। मैं ली है तो अपने जो इवेंट का लोगो है, जो भी मुंबई करके आए थे उन्हीं के कंपनी का ये फिर से इवेंट है। देख भाई, अब तो ये जगह घूम के देखियो ये अपनी लोकेशन है, याद रखे को ऐसी जगह। तो अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे जहाँ पे अपना आज परफॉर्मेंस होने वाला है। सो आपको ना मैं बाहर का थोड़ा एनवायरनमेंट दिखा, पे अपने इवेंट्स का अभी होएगा, थोड़ा तैयारी चल रही है। सो हम यहाँ मजे कर रहे हैं। एक बोल मार ताज जा बैग होनी मोरा पे इतनी सी यू दी ये खेलने लग रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे देखो सामने ना थोड़े थोड़े खेल रहे बॉल, बहुत बढ़िया लोकेशन है यार यहाँ का। थोड़ा ये देखो सेटअप बहुत बढ़िया बना रखा है। ये जो चल रही है स्टॉप क्या हुआ? ये पूछ रहा हूँ मैं, मेरे को इसका नाम नहीं पता, इसका फंक्शन क्या है? करते वाला नहीं आपको लग रहा है अभी रिहर्सल तो कर लिया, अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर शाम को अपना चार्जर है। कौन सा चार्जर है? सो फैमिली अब रेडी हो चुके हैं हम। सो अब जाने वाले हैं, अपनी परफॉर्मेंस आने वाली है, और आज एक खास दिन भी है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। ठीक है, सो आज हमारी चल रही है इवेंट की परफॉर्मेंस। ठीक है, अभी इसके बाद अपन एंजॉयमेंट भी करेंगे। मैंने पार्टी रख रखी है, मनीष कह रहा था पार्टी देनी है तो मैंने आज पार्टी भी रख रखी है बाहर। सो उसको देंगे पार्टी, और जिस
सो गाइस फाइनली अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई है और ऑडियंस भी स्टैंडिंग ओवेशन दी है और थक चुके हैं, थोड़ा पानी पुनी भी लेते हैं। ठीक है यार, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया की है वो, बाकी सर बताएंगे। सर वहाँ पे कंसोल पे खड़े थे अपने, वन ऑफ द बेस्ट और सीखने पे मतलब इतना ब्लेंड सुपर। हमने अब पार्टी में आ चुके हैं, ठीक है, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, कोक वगैरह हमने पी है, अभी थोड़ा और खाएंगे। टाइट हो गए मनी से, मैनेजर हमारा टाइट हो चुका है। तो गाइस आज हम मोनू का बर्थडे था तो हमने सोचा कि इवेंट के बाद कुछ ऐसे परफॉर्मेंस रखी जाए बढ़िया सी, मतलब यहाँ पे एंजॉय किया जाए, तो हमने ग्रैंड पार्टी रखी है। ये देखो ये है ग्रैंड पार्टी अपनी जो हमने जो करवाई है, जल्दी से आ सकते हैं पार्टी के अंदर। कल कोई नहीं बोलेगा पार्टी के लिए, पहले बता। अगर किसी ने ये जो कमेंट करते ना कि पार्टी की तो चलेगी, आज ओपन चैलेंज है, जितना आ सकता हो खाओ जो मर्जी एंजॉय करो। और मैनेजर साहब टाइट हो चुकी है। The philanthropy doesn't start. कपिल देव सर ने हमें ये गिफ्ट दिया है अपने हाथों से, देखते हैं क्या है इसके अंदर। अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इसको बैक स्टेज पे ही। मैं सोचा यार आईफोन है। फाड़ देना ये देख, आज तो पावर ही बहुत आ रहा है इसके अंदर। जोटा है ये। ओह बढ़िया चीज है भैया। सो ये है अपना गिफ्ट। चल रहे हैं अपा बस स्टैंड की तरफ, या देखते हैं कुछ ओला वगैरह मिलेगी तो उसमें जाएंगे सीधा सिरसा। सो फिर मिलते हैं आपको सीधा सिरसा। ये इस गाड़ी में जाएंगे तो अभी हम जा रहे हैं लोकेशन पे। लोकेशन पे पंचर फैमिली। हम अब लेटे पड़े हैं गुड़गांव के बस स्टैंड पे, मैं यहाँ पे लेटा पड़ रहा हूँ। मनीष बस ये तो बैठ समझ रहे हैं बस स्टैंड पे, देखो राहुल ऐसा सो रहा है। सो हम इस टाइम बस स्टैंड पे हैं। कैसा लगा? अगली बार से करने लाख रुपए बस स्टैंड पे लिटा रख के। सो फैमिली हम फाइनली पहुंच चुके हैं घर। सो प्राइस ब्रूज था जो मम्मी पापा को दिखा दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया लगे मम्मी और को, ठीक है। So, अब देखते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या है गिफ्ट को लेके। कैसा लगा? तो मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगा, होप करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताना व्लॉग कैसा लगा। और इस व्लॉग के अंदर बड़े बड़े स्टारों के साथ हमने मतलब उनके सामने परफॉर्मेंस करी है और उन्होंने अपने हाथ से हमें गिफ्ट भी दिए। सो होप करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।